ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पाकिस्तान की पहली मोबाइल फार्मेसी इंट्रोड्यूस करवाऊँ। बाइक राइडिंग का शौक तो मुझे पहले से था ही, मैंने अपने शौक और प्रोफेशन को एक साथ मर्ज किया और पाकिस्तान की पहली मोबाइल फार्मेसी इंट्रोड्यूस करवाई। स्टार्टअप के तौर पे मैंने फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट लिया, जैसे कि ग्लूकोमीटर्स हैं, बीपी अपरेटस हैं और सिरिंजेस हैं, फेस मास्क है और फर्स्ट एड बॉक्स है। अब फिर इंशाल्लाह आगे मैं अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बढ़ा रही हूँ और अपने काम के अंदर मेडिसिन को भी इंक्लूड करके इसे और बड़े पैमाने पर एक बिज़नेस मॉडल की शेप देने का जो मेरा ख्वाब है उसकी तरफ मैं अपने कदम बढ़ा रही हूँ। जब मैंने पास आउट किया तो मैंने नोट किया कि फॉर्मली पास आउट ग्रेजुएट्स की तादाद ज़्यादा है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंतहाई कम है। खैर जब मुझे किसी तरह जॉब मिली तो मैंने देखा कि जॉब पर फार्मासिस्ट को बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं दी जा रही होती कि वो अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सके। उस पर प्रेशर दिया जाता है कि वो टेक्नीशियन या सेल्समैन की तरह बिहेव करे और अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए और लोगों की रहनुमाई के लिए इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इससे हॉस्पिटल्स की सेल ख़राब हो रही है। रिटेल फार्मेसीज़ के ऊपर भी अंडर एजुकेटेड अफराद मौजूद हैं, वहाँ भी आपको कोई फार्मासिस्ट बैठा हुआ नज़र नहीं आएगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर चेक रखें, वहाँ जाकर चेक किया करें कि अगर कोई फार्मासिस्ट को मजबूर कर रहा है कि वो अपनी तालीम को लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल ना करें तो वहाँ पर ऐसे अफराद को सज़ा दी जाए। माशरे का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर पेशेंट के साथ फार्मासिस्ट का इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो सारी मेडिकेशन के बारे में, दवाइयों के बारे में कि दवाई किस तरह खानी है, कौन सी खाने की चीज़ ऐसी है जिसे इस मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए, कौन सी ऐसी बीमारी आपको है कि आप उसमें वो मेडिसिन नहीं ले सकते, या आपकी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए इस मेडिसिन को लेने के दौरान, या कौन सा ऐसा साइड इफ़ेक्ट है जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, या क्या नुकसान आपको हो सकता है। तो ये सारी रहनुमाई फार्मासिस्ट पेशेंट को फराहम करता है, और अगर पेशेंट को इस बारे में कोई जानकारी होगी नहीं तो आप सोचें वो तो बिल्कुल ब्लाइंड है, उसे कुछ पता ही नहीं है। लोगों को मैंने काफ़ी अवेयरनेस दी है कि अगर आपको इस मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं है तो हमारा काम ही यही है कि हम आपको बताएं। हम फार्मासिस्ट होते ही इसलिए कि आपको बताएं, हमने पूरे 5 साल पढ़ाई इसी चीज़ की होती है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है। अल्लाह ताला के हमसे सवाल होगा कि जब तुम्हें एक चीज़ की काबिलियत दी थी तो तुमने उसे मेरी मखलूक के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो अल्लाह ताला को मुँह दिखाना है और जाहिर सी बातें काम है हमारा।